दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल YC Tech में। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो है। भले ही आपके लिए नॉर्मल वीडियो हो, पर ये जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत खास वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके मेमोरी कार्ड में या मोबाइल में जो भी चीज़ है उसको मेमोरी कार्ड से फ़ोन में कैसे कॉपी करें, और कॉपी फ़ोन से फ़ोन में जो आइटम है उसको मेमोरी में कैसे कॉपी करें, ये सिस्टम बताएंगे। मतलब मेमोरी के आइटम फ़ोन में कॉफ़ी मुँह कैसे करें, और जो फ़ोन के आइटम है वो मेमोरी में कॉफ़ी कैसे करें, वो डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बताएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोगों को ये मालूम रहता है और उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बहुत ही कठिन और डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि आप कॉपी कैसे कर सकते हो, चाहे वो फाइल हो, गाना हो, डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर फोटो हो, कुछ भी हो, आप ए टू जेड हर चीज़ को कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। मतलब फ़ोन के अपनी कई बार क्या होता है कि फ़ोन भी भर जाता है, तो वो भरे हुए फ़ोन को हम मेमोरी में अगर डाल देते हैं तो हमारा फ़ोन खाली हो जाता है और अच्छे से चलने लग जाता है, ठीक है। तो फ़ोन के आइटम मेमोरी में कैसे कॉपी करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो और चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखो, ताकि आपका कोई भी पॉइंट या पार्ट छूट ना जाए, ठीक है। तो मेरे इस इंट्रो के बाद में मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोई सा भी मोबाइल हो, ठीक है, आप कोई सा भी हैंडसेट यूज़ कर रहे हो, आप आसानी से कॉपी कर सकते हो फ़ोन के आइटम मेमोरी में, मेमोरी के आइटम फ़ोन में, ठीक है। बहुत ही डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जैसा कि मेरे पास मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime, ठीक है, तो इसमें कॉपी कैसे होता है या आपके में कैसे कॉपी होता है वो सारी चीज़ बता दूंगा। तो सबसे पहले अपनी जो आपकी फाइल मैनेजर है वो खोल लेना है, माई फाइल्स के नाम से, या फाइल मैनेजर जो भी वो लिखी हुई आएगी, ठीक है, जहाँ पे हमारी मेमोरी कार्ड और इंटरनल स्टोरेज शो करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके भी ऐसा आइटम होगा, अगर ऐसा नहीं तो चलो कुछ भी, मतलब म्यूजिक आए, वीडियो ऑडियो कुछ भी हो सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे वीडियो के सिस्टम है तो हमारे फोल्डर है यहाँ से मैं, ये हमारे जो वीडियोज़ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कोई भी हमें गाना है या वीडियो है या फिल्म ऑडियो है हमें पसंद आ जाता है, ठीक है, हमें पसंद आ जाता है। जैसे कि मान लो हमें एक आइटम है, जैसे कि यहाँ पे ये है, ये शंकर के नाम से रिंगटोन है, तो मैं इसको उठाऊँगा, ये मेरे को पसंद आ जाती है, ठीक है, ये मेरे को पसंद आ जाती है। जैसे बैग लेता हूँ, अब किसकी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इंटरनल एसडी कार्ड शो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियो में सारी मिक्स आ जाते हैं, तो हमें ध्यान कैसे पड़ेगा, मतलब मालूम कैसे पता पड़ेगा कि हम कहाँ के और किसके सिस्टम उठा के किस में डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप टैप करो सिंगल बेस के ऑप्शन पे टैप करोगे, जैसे हमारा ये गाना है, अब यहाँ पे देखिए 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है। कई भाइयों के MI का, जैसे वीवो का मोबाइल है, उन पर यहाँ पे शो कर जाता है, ठीक है। तो उनको सबसे अच्छी बात है कि उनको परेशान होने की टेंशन नहीं है, उनके डायरेक्ट स्क्रीन पे शो कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइन से इन पे टैप करना होता है यहाँ पे, और उनके जो यहाँ पे शो कर जाते हैं, तो वहाँ पर देखिए कॉपी, यहाँ पे कॉपी मूव और रीनेम एड शेयर का ऑप्शन आ रहा है, जबकि हमारे मोबाइल में अगर नहीं आता है तो यहाँ 3 डॉट के ऑप्शन पे टैप करना है। कैसे, यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन पे टैप करना है, हमारे जहाँ पे शो नहीं करता है स्क्रीन पे, 3 डॉट के ऑप्शन पे टैप करोगे तो यहाँ पे देखिए मूव का कॉपी का ऑप्शन आएगा। आप कॉपी के ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज तो वो हो गई जो मोबाइल की मेमोरी है, ठीक है, और SD कार्ड जो आपने अलग से डाल रखा है। तो यहाँ से मैं फ़ोन का आइटम उठाया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना फोल्डर बना सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ फोल्डर बना हुआ है, जैसे यह फोल्डर बना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ डन, तो वो हमारा जो है कॉपी हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है। देखिए सिंगल बेस DK के फोल्डर में डाला है, देखते हो माई फाइल SD कार्ड और DK इस फोल्डर में ये है, आ चुका है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ, ये हो गया, इंटरनल स्टोरेज पे एक बार जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे देखिए मैं कोई भी
ये जी हाँ MP3 कनेक्टर से एक्सट्रा ऑडियो। चलिए यहाँ से भी कॉपी करता हूँ, ये फाइल पर क्रिएट एप यहाँ पे कर दिया। कॉपी 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ SD कार्ड में डालता हूँ और डन कर देता हूँ। तो ये कॉपी हो चुका है, यहाँ पे नीचे में शो कर जाएगा। ठीक है, देखिए मैं लेता हूँ यहाँ पे यूनाइटेड, ये रहा देखिए, अभी इसके ऊपर शो कर रहा है न्यू का ऑप्शन। देख सकते आप इस पर न्यू का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते आप न्यू का ऑप्शन शो कर रहा है। एंड देखिए शॉर्टकट सब दे एंड, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हो। अब SD कार्ड में भी सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। SD कार्ड में भी यही प्रोसेस है, SD कार्ड में टेप करूँगा और वहीं मैं उठा लेता हूँ, यहाँ यूनाइटेड पर क्लिक करूँगा या 3 डॉट पर क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा और इंटरनल स्टोरेज करूँगा और यहाँ पे डन कर दूँगा। तो ये फाइल हमारी वापस इसमें आ जाएगी, देख दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल वापस आ चुकी है। मतलब आपको कॉपी पर क्लिक करना है, किस पे डालना है उसको चूज़ करना है, क्लिक कर देना है। ऐसा ही सिस्टम मूव का है, अगर आप किसी फाइल को मूव करना चाहते हो तो वो ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से एक रिकॉर्डिंग किया, क्लिक किया और मूव पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये फाइल यहाँ से टूट के चली जाएगी, यहाँ से कॉपी नहीं होगी, मतलब यहाँ से जो चीज़ है यहाँ से डायरेक्ट टूट के फाइल में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ शो नहीं करेगी, समझ गए दोस्तों। इसी के साथ फोल्डर भी कॉपी करना है तो फोल्डर पे टेप करना है, से 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी में कर देना है और अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेना है। बस दोस्तों यही आसान और सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता दी है कि आप अपनी फाइल, गाना, मेमोरी, इमेज, डॉक्यूमेंट्स जो भी हो वो कॉपी कैसे कर सकते हो फ़ोन की मेमोरी में और मेमोरी की फ़ोन में, ठीक है। सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो।